गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी फ्रेंड शानू आपके लिए एक बहुत ही खास और हेल्पफुल वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने कुछ पर्सनल टिप्स, जिसका मुझे पर्सनली बहुत फ़ायदा मिला था मेरी हेयर ग्रोथ में। और आप सब ने बहुत ही रिक्वेस्ट भी किया था कि दी आप क्या टिप्स पर्सनली फॉलो करते हो, वो हम सबके साथ भी शेयर करो। तो कुछ ऐसे ही टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ, जिसमें आपको एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी और ना ही आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा। बस आपको रेगुलरली इन टिप्स को फॉलो करना है और इन टिप्स को बस एक मंथ अच्छे से फॉलो करके ही आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके बाल लंबे होंगे, डेफिनेटली होंगे, आई कैन अश्योर यू। तो जो भी टिप्स हैं, सो बस वीडियो को ध्यान से देखना, जो भी बातें मैं बता रही हूँ उनको ध्यान से फॉलो करना और आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। एक एक करके सारे टिप्स मैं आपको बताऊंगी, तो टिप्स को आप ध्यान से सुनना और वीडियो को पूरे एंड तक देखना। तो चलो, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है अपने फिंगर नेल्स को रब करना, जैसा मैंने वीडियो में दिखाया है ठीक वैसे ही। इसको आम भाषा में बलयाम योगा के नाम से भी आपने सुना होगा। इस योगा के बारे में आप सबने सुना होगा, लेकिन शायद ही आप में से बहुत कम ही लोग इसके फायदे से वाकिफ होंगे। मैं आपको बता दूं कि जब आप अपने फिंगर्स के नेल्स को रब करते हो तो जस्ट बिलो द नेल्स एक नर्व होती है, जो हमारे ब्रेन के थ्रू सिग्नल भेजती है हमारे डेड एंड डैमेज्ड हेयर फॉलिकल्स को, यानी कि जो हमारे हेयर फॉलिकल्स खत्म हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, उनको स्टिमुलेट करने के लिए, यानी कि हमारे हेयर फॉलिकल्स को फिर से जीवित करने के लिए, उनमें जान लाने के लिए। बलयाम योगा हमारे स्कैल्प के ब्लड फ्लो को भी स्टिमुलेट करती है और इन सब कारणों से हमारे हेयर की ग्रोथ इम्प्रूव होती है, हमारे हेयर तेजी से ग्रो होते हैं। सेकेंड थिंग जो हमें डेली करना चाहिए वो है अपने सर की मसाज। स्कैल्प मसाज के फायदे के बारे में तो आपको पता ही होगा, हेयर मसाज करने से हमारे स्कैल्प को स्ट्रेस टेंशन से रिलीफ मिलता है, हेड में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से हो पाता है, जिससे हमारे हेयर फॉलिकल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाता है और हमारे हेयर ग्रोथ अच्छे से हो पाती है। तो आपको डेली रात को सोने से पहले 10 मिनट तक अच्छे से अपने हेड का मसाज करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्का हल्का फिंगर टिप से प्रेशर देकर पूरे हेड का मसाज करना है। आप इसको डेली सोने से पहले कर सकते हो, या फिर अगर दिन में कभी टाइम मिले तब कर सकते हो, या फिर जब भी आप ऑयलिंग करते हो तब हेयर मसाज करो, जब भी आप बालों में कुछ अप्लाई करते हो तब आप हेयर मसाज करो, आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा इन सबका। थर्ड टिप है हेयर ट्रिमिंग के बारे में। तो मैंने आपको हेयर ट्रिमिंग के बारे में बहुत बार बताया है, तो अगर आपने मेरी वीडियो देखकर इसको फॉलो किया है तो आपको इसके फ़ायदे ज़रूर मिले होंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है, मेरी बातों को इग्नोर किया है, देन प्लीज़ आज ही इस वीडियो को देखने के बाद जाकर आप अपने हेयर को ट्रिम करो और इसके फ़ायदे आपको डेफिनेटली मिलेंगे, आई कैन अश्योर यू। ट्रिमिंग कैसे करनी है, कब करनी है, इसके फ़ायदे सब मैंने एक प्रॉपर वीडियो में बनाया है, बताया है, यू कैन चेक इट आउट। आपको बस हर 2-3 मंथ के बाद बालों को 1.5 सेंटीमीटर के लगभग ट्रिम कर लेना है। आप खुद से भी कर सकते हो, या फिर किसी की हेल्प लेकर भी कर सकते हो, या फिर आप पार्लर में जाकर भी करवा सकते हो। बस ध्यान रखना कि उनको ट्रिमिंग के बारे में बताना, बोलना कि मुझे ट्रिमिंग करवानी है, बालों की कटिंग नहीं करवानी है, नहीं तो बाल आपके ज़्यादा कट सकते हैं। अगर आपने ट्रिमिंग को रेगुलरली यानी कि हर 2-3 मंथ में फॉलो किया तो 4 मंथ में ही आपके बाल बढ़ भी जाएंगे और आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आपको स्पिटेंट की प्रॉब्लम है तो आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा और आपके हेयर नेचुरली बहुत ही थिक हो जाएंगे। फोर्थ टिप में आता है बालों की प्रॉपर ऑयलिंग। हाँ, ये टिप आपको बहुत ही कॉमन लगेगा और बहुत ही अजीब भी लगेगा, बट बालों में ढंग से ऑयलिंग करना उतना ही ज़रूरी है जितना हेयर को वॉश करना। आप हर वीक हेयर को वॉश करते हो ना, जिस तरह वीक में 2 दिन हेयर को वॉश करते हो, वैसे ही वीक में 2 दिन हेयर ऑयलिंग करो। ऑयलिंग करने के बाद अच्छे से 10 मिनट तक स्कैल्प की मसाज करो। ऑयल लगाने से आपके स्कैल्प हेल्दी रहते हैं, स्कैल्प हेल्दी रहेंगे तो हेयर भी हेल्दी रहेंगे, प्रॉपर ग्रोथ होगी, हेयर फॉल कम होगा। बाल अगर ड्राई रफ हो गए हैं तो आपके बाल बहुत ही सिल्की हो सकते हैं, शाइनी हो सकते हैं। अगर आप हेयर ऑयलिंग के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो एक
प्रॉपर वीडियो इस पर भी मैंने बना रखी है कि बालों में तेल कैसे लगाएं, कब लगाएं और क्यों लगाएं, तो उस वीडियो को आप देख लेना। और वीक में 2 बार अच्छे से हेयर ऑयलिंग करना, प्लीज़ इस स्टेप को आप बिल्कुल इग्नोर मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपके बालों में ऑयल डालना, बालों में तेल लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ, ऑयलिंग करते वक्त आप इन्वर्जन मेथड से ज़रूर मसाज करना। हमारा नेक्स्ट टिप इसी के बारे में है, इन्वर्जन मेथड कैसे वर्क करता है और कितना फ़ायदा देता है। इन्वर्जन मेथड का मतलब अपने नेक को बेंड करके रखना और स्कैल्प की मसाज करना। इस मेथड को आप डेली रात को सोने से पहले फॉलो कर लोगे। मसाज करते वक्त 4 मिनट के लिए नेक को बेंड करना और मसाज करना, बस 4 मिनट तक ही ऐसे करना है आपको, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ आपको ऑयलिंग करते वक्त, शैम्पू करते टाइम भी आप इसको ट्राई कर सकते हो। इन्वर्जन मेथड के फ़ायदे तो प्रूवन नहीं है, बट बहुत ही लोगों ने बताया है इन्वर्जन मेथड से उनको बहुत फ़ायदा मिला है, उनके बाल ग्रो हुए हैं और मुझे भी इसका फ़ायदा मिला है। इन्वर्जन मेथड सच में वर्क करता है, सो आप इस टिप को भी ज़रूर ट्राई करना, वो भी रात को सोने से पहले डेली। हेयर मसाज करने के बाद सबसे लास्ट में आपको सिंपल सा एक नाइट रूटीन फॉलो करना है, तो मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या क्या डेली फॉलो करना है। डेली आपको रात को हेयर मसाज करना है 8 मिनट तक, इसके बाद 4 मिनट तक सर को बेंड करके इन्वर्जन मेथड से मसाज करना है। इसके बाद आपको ये वाला रूटीन फॉलो करना है जिसमें आपको अपने हेयर्स को डिटेंगल करना है, इसके बाद अपने स्कैल्प पे कुंभ करना है 2 मिनट तक, एंड इसके बाद आपको अपने बालों की चोटी बना लेनी है। ऐसा करने से आपके बाल सिक्योर रहेंगे, उनमें मॉइस्चर कंटेंट रहेगा, साथ ही ब्रेडिंग हमारे बालों में स्टेबल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो हेल्प करता है हमारे बालों को बढ़ने में। साथ ही सोने से पहले इस तरह बालों को सिक्योर करने से हमारे बाल हेयर लॉस और हेयर ब्रेकेज से बचे रहते हैं और हमें नेचुरली थिक एंड लॉन्ग हेयर मिलता है। तो गाइज, यही थे मेरे सिंपल से कुछ टिप्स जिनको आप ऑनेस्टली रेगुलरली अगर फॉलो कर लो तो 2 से 3 मंथ में ही आपको बिना एक भी रुपया खर्च किए और बिना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए बहुत ही लंबे, बहुत ही घने बाल मिलेंगे। और ये सारे टिप्स मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किए हैं और आपके साथ शेयर किए हैं, इन पर मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च भी किया है तभी आपके साथ शेयर किया है, तो आपको इन टिप्स को फॉलो करना चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।